दोस्तों आज के इस विषय में हम लोग बात करेंगे अपना आधार कार्ड कौन सा बैंक अकाउंट का साथ लिंक है, आप किस तरह चेक करेगा। उसीलिए दोस्तों आपको आ जाना है यूआईडीआई के साइट में, और यूआईडीआई साइट में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट में कौन सा बैंक का साथ आधार लिंक है। अगर आपके पास 6-7 बैंक अकाउंट है और आपको पता नहीं हो रहा है आपका जो बैंक अकाउंट है कौन सा आधार कार्ड का साथ लिंक है, और जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है आपको शायद पता है दोस्तों, अगर आप पीएम किसान का एक फार्मर है तो आपको पहले पता करना है जो मेरा पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन तो किया है लेकिन हमारा आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। तो आप किस तरह पता करेगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको A to Z सिखाएंगे और बताएंगे भी, ठीक है। तो आप किस तरह अपना मोबाइल का मदद से आप अपना बैंक अकाउंट कौन सा बैंक का साथ आधार लिंक है, जो आधार लिंकिंग NPCI है, और आपको पता करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास 5 बैंक है और आपको पता नहीं है भाई मेरे अकाउंट में तो पैसा नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, आप बार बार जमा कर रहा है लेकिन आपके अकाउंट में सही में पैसा आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे माई आधार वाला आइकॉन में क्लिक कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरफ डाउन कर लेना है, और डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेक आधार बैंक लिंक स्टेटस, यहाँ पे आपको सैंपल क्लिक कर लेना है। जब दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेगा, करने के बाद आप लोगों को सामने इस तरह की इंटरफेस खोल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सामने लिखा भी है आधार लिंक स्टेटस और फिटेज फॉर्म NPCI सर्वर। दोस्तों NPCI मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे NPCI होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन का मदद से देख सकती है, एक वर्चुअल आईडी और आपका आधार नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो आधार नंबर है इस आधार नंबर को यहाँ पे फिल करना है। चलिए मैं आप जो आधार नंबर है मेरा आधार नंबर को यहाँ पे डालेंगे, और डालने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे कैप्चर को फिल करेंगे। तो उसके लिए हम कैप्चर वाला आइकन में क्लिक करेंगे और बड़ा में के डालेंगे, 7 डालेंगे और बी डालेंगे। डाल के दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे सेंड OTP में क्लिक करेंगे। जब दोस्तों हम सेंड OTP में क्लिक करेगा तो हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया है, ठीक है। तो OTP को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फटक से यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए हम डाल देता है। जब दोस्तों हम आधार कार्ड में जो OTP आया था उस OTP जब हम लोग यहाँ पे फिल किया है तो साथ साथ दोस्तों हमारा मोबाइल पर एक मेल भी आ चुका है, जो आपका एक OTP सेंड हो चुका है अपना मोबाइल फोन में। और आप यहां पे देख सकती है मेरा जो बैंक अकाउंट है यहां पे आधार नंबर शो कर रही है। दोस्तों मेरा बैंक लिंक हुआ है 2019 में और डेट भी यहां पे दे के रखा है। और यहां पे दोस्तों आप लोगों के सामने ये भी देखने के लिए मिल रहा है मेरा कब रजिस्ट्रेशन हुआ था यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा और सबसे खास बात ये है, जो अगर आपका आधार कार्ड में बैंक अकाउंट बोलो तो NPCI सर्वर में लिंक है तो आपको यहाँ पे देख पाएगा। तो अगर मान के चलो आपका NPCI बोलो तो जो भी बैंक आपका लिंक हुआ है तो आप किस तरह लिंक कर पाएगा वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे। अगर आपका पास जो भी बैंक है, ठीक है, यहाँ पे अगर मान के चलो आपका जो भी बैंक है इस जगह में हमको फिल कर बैंक अपडेट हुआ, जैसे कि यहाँ पे PNB अगर लिखे PNB आधार लिंक, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएगा PNB का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आधार OTP बेस यहाँ पे कर सकती है। तो आप इस तरह दोस्तों घर बैठे कोई भी बैंक अकाउंट में आप चेक भी कर सकती है और लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देने का धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए वीडियो को यहाँ पे दी एंड करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।